न्यूज 18 इंडिया की टीम हमास के उस ठिकाने पर पहुंची जहां खतरनाक हथियारों का जखीरा नजर आया। करीब सौ रॉकेट लॉन्चर समेत खतरनाक हथियार यहां से मिले हैं। ये सभी हथियारों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में हो रहा है और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ की तस्वीर आपको बताएगी कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में हथियार है और ये हथियार बहुत कम प्रतिशत में है जो 7 अक्टूबर को लेकर आए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा दे, एंटी एयरक्राफ्ट सबसे पहले आपको दिखा दे, ये एंटी एयरक्राफ्ट है, ये AK-47 बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आपको AK-47 पुराने जरूर हैं लेकिन 1500 आतंकवादी आए थे और सबके हाथ में लगभग ये AK-47 था। इधर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको दूसरे हथियार भी देखने को मिलेंगे, मशीन गन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मशीन गन के अलावा उसके कारतूस, गोलियाँ, ये देखिए ये मशीन गन है, कारतूस, यहाँ कारतूस, कितना कारतूस है उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है। ये मैगजीन इस तरह के कारतूस के साथ बैग में भर के लाए थे, डिब्बे में भर के लाए थे, ये मैगजीन आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर भी कारतूस है इन्हीं बंदूकों के। और ये RPG रॉकेट लॉन्चर है, बड़े RPG को अगर कहीं मारना चाहे बेस पे या फिर किसी मकान पे, किसी आर्मी की गाड़ी पे, तो इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल होता है। इसमें RPG-29 लगता है, फिट होता है और दूर से मारता है, टैंक के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल, तोप के खिलाफ भी करते हैं। ये RPG-7 रॉकेट लॉन्चर्स है, RPG-7 जो होता है उसे इसमें फिट किया जाता है और फिर हिट किया जाता है, घरों पे इसका इस्तेमाल होता है। न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है और इधर दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं। ये तैयारी थी, फेंसिंग जब तोड़ी गई उसके लिए एक्सप्लोसिव फ्रेम बनाए गए थे, ये एक्सप्लोसिव फ्रेम बनाए गए थे इसके जरिए बनाकर, और ये फेंसिंग तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आपको दिख रहा है जो फेंसिंग इसी से तोड़ा गया था जिससे किबुज में घुसे थे। 51 किलोमीटर की सीमा में एक के बाद एक आतंकवादी घुसे इसी के जरिए। और इधर आपको RPG, इन्हीं RPG का इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर्स में किया जाता है, बड़े छोटे हर तरह के RPG आपको दिख रहे होंगे।